पूरे देश में कोरोना के मरीजों की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। एक दिन में तकरीबन 2,60,000 के करीब मरीज़ पूरे देश में, महाराष्ट्र में ये आंकड़ा तकरीबन 60,000 को टच करता हुआ, और मुंबई में तकरीबन 7,000 के आसपास मरीज़ जो हैं वो पिछले एक दिन में कोरोना से ग्रसित हुए। महाराष्ट्र की जेलों में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र की जेल जहाँ पे तकरीबन 23,000 से 24,000 कैदियों की क्षमता है, वहाँ पे तकरीबन 38,000 कैदी भरे हुए हैं। उनमें से भी कुछ जेल जैसे मुंबई की आर्थर रोड जेल है जिसमें कैपेसिटी से 3.5 गुना ज़्यादा, थाना की जेल ऑलमोस्ट डबल, न्यू बॉम्बे की जेल ऑलमोस्ट डबल, इस तरह की परिस्थिति है। तो ये ओवर क्राउडिंग की वजह से वहाँ पर भी संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अभी तक तकरीबन 8 कैदियों की मौत हो चुकी है कोरोना से, जेल स्टाफ की डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस के तकरीबन 300 से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। कुछ समय पहले कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया था कि कुछ कैदियों को जो अभी अंडर ट्रायल हैं उनको बेल पे छोड़ दिया जाए, जिससे स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए जेल में पड़े हैं, और जिनको जो बहुत ज़्यादा संगीन मामलों में इन्वॉल्व नहीं हैं। तो ऐसे अपराधियों को अगर जेल जमानत पे रिहा कर दिया जाए तो शायद स्थिति और सुधरे, क्योंकि हर जगह पे बेड्स की कमतरता, दवाइयों की कमतरता, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमतरता, ये दिक्कतों का सामना सरकार को और लोगों को करना पड़ रहा है। एक एक बेड के लिए लोग पूरा पूरा दिन दौड़ते भागते रहते हैं, इंजेक्शन नहीं मिलते, तो ये आज की परिस्थिति है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जिस स्थिति को सुधारा जा सकता है थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके, अगर उसे इतना इनिशिएटिव ले लिया जाए कि जैसे पहले कोर्ट्स ने ये निर्णय लिया था कि जो बहुत मामूली अपराधों में लोग अंडर ट्रायल हैं उनको बेल पे छोड़ दिया जाए, इसी तरह का एक और रिव्यू अगर जेल में ले लिया जाए तो शायद स्थिति सुधरेगी और वहाँ पे इस संक्रमण के फैलने का और लोगों को के इसको बलि चढ़ने का जो क्रम है वो थोड़ा स्लो होगा।